नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी संग्राम की। बिहार में चुनावी रण के लिए सभी लड़ाके उतर चुके हैं। तारीखों का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीएम मोदी भी अब बिहार के चुनावी महाभारत में लीड रोल में उतरने वाले हैं। बिहार के चुनावी रण में मोदी और नीतीश मिलकर विपक्ष को पटखनी देने में जुट गए हैं। पीएम मोदी एक बार फिर जनता पर तोहफे की बरसात कर रहे हैं, अरबों की सौगात देकर एक बार फिर वोट बटोरने में जुट गए हैं। वहीं विपक्ष पीएम मोदी से पुराने वायदों का हिसाब मांग रहा है। 125,000 करोड़ के वायदे का हिसाब मोदी और नीतीश से मांगा जा रहा है। वो पैसे कहां गए, कब आए, वो चुनावी मौसम में वायदों की झड़ी आखिर कब तक लगती रहेगी और जनता नेताओं को टटोलने में फिलहाल लगी हुई है। अब सवाल है कि चुनावी वायदे हमेशा पूरे होते हैं क्या? सिर्फ वायदे करने से जनता खुशहाल होगी क्या? इस बार बिहार चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा या फिर जाति और धर्म के नाम पर? बिहार में चुनावी सरगर्मी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव है और नेता अब वायदों का पिटारा लिए जनता के बीच वोट बटोरने के लिए पहुंच रहे हैं। नेता एक बार फिर जनता को भ्रम जाल में फंसा रहे हैं। वादों की बरसात ने जनता को डुबोने में लगे हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। नेता पाला बदलने में लगे हुए हैं। कई नेता पाला बदल कर पार्टी छोड़ चुके हैं। एनडीए और महागठबंधन में नेताओं का आना जाना अब भी जारी है। वहीं विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए की कमान संभालने वाले हैं। बिहार के चुनाव में एक बार फिर एनडीए को मजबूत करने के लिए मोदी मैदान में कूदने वाले हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले अगले 10 दिनों में पीएम मोदी बिहार में 16,000 करोड़ की योजनाओं की झड़ी लगाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में जिन प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे उनमें कुछ पूरे हो गए हैं तो कुछ नए हैं जिनकी शुरुआत होगी। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने राज्य में मत्स्य पालन से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया था। वहीं चुनाव के ऐलान के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ही एनडीए के चेहरे के रूप में सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि भले ही राज्य में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन आम लोगों के बीच नरेंद्र मोदी के कामकाज को आधार बनाकर ही केंद्र में रखा जाएगा। इसके पीछे नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की रणनीति मानी जा रही है। पीएम मोदी चुनाव के बीच 2 दर्जन से ज्यादा वर्चुअल रैली भी कर सकते हैं। राज्य में 2 चरणों में चुनाव दुर्गा पूजा के बाद और दीपावली से पहले होने की उम्मीद है। बिहार चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ सौगात दे रहे हैं। वहीं पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल पूछते हुए कहा है कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार के 125,000 करोड़ के विशेष पैकेज का क्या हुआ है। बीजेपी सरकार को बताना चाहिए कि ये पैसा कब आया और कहां खर्च हुआ। साथ ही एनडीए से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बाढ़, सुखाड़, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते। अडानी और अंबानी से लोकल का भोकाल बनेगा। देश में आज की तारीख में सबसे ज्यादा पैसे विज्ञापन पर खर्च किए जा रहे हैं। बिहार चुनाव तैयारियां चरम पर है, लेकिन ना तो एनडीए में सीटों को लेकर कोई फाइनल बातचीत हुई है और ना ही महागठबंधन में, लेकिन सभी गुट चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। एनडीए में चिराग पासवान अलग थलग दिख रहे हैं। नीतीश कुमार और पासवान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी पैचअप कराने के मूड में है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी इस बार घमासान है। बीजेपी इस बार विधानसभा में 50-50 करना चाहती है। सीट शेयरिंग समेत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और फडणवीस 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश के साथ क्या बातचीत होती है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद ने गुरुवार को आरजेडी को झटका देते हुए अपने दशकों पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। रघुवंश को मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने कोशिश की है, लेकिन रघुवंश ने पार्टी में लौटने की बात अभी तक नहीं की है। इस बीच इस्तीफा देने के बाद रघुवंश प्रसाद ने नीतीश कुमार को मनरेगा में संशोधन के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने सरकारी और SC/ST की जमीन में मनरेगा के तहत काम का मुद्दा उठाया। फेसबुक पर अपने पत्र को पोस्ट कर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन 3 मांगों को पूरा करने का आग्रह किया है जिसे वह पूरा नहीं कर पाए हैं। पत्र में लिखा कि उन्होंने मनरेगा के तहत सरकारी और SC/ST की जमीन में प्रबंध का विस्तार करते हुए आम किसानों की जमीन को भी काम में जोड़ने का आग्रह किया है।
रघुवंश ने सीएम से आग्रह किया है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में और 16 जनवरी को वैशाली में झंडा फहराएंगे। एक तरफ आरजेडी से रघुवंश ने नाता तोड़ लिया तो वहीं दूसरी तरफ मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि हम लोग लालू प्रसाद यादव के साथ हैं और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। अब सवाल है कि नेताओं को चुनाव के वक्त ही जनता की याद कैसे आती है? क्या मोदी के अरबों की सौगात देने के बाद बिहार की जनता एक बार फिर वोट की चोट देगी? क्या चुनावी तोहफे से एनडीए में वोट बरसेंगे? क्या आरजेडी में रघुवंश की वापसी होगी? उसके जाने से आरजेडी कमजोर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में चुनावी संग्राम की आज बात हो रही है। बिहार में चुनावी रण के लिए सभी लड़ाके पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सभी दलों ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। और ऐसे में पीएम मोदी भी अब बिहार के चुनावी महाभारत में लीड रोल में उतरने को तैयार है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे कि बिहार में आखिर जो राजनीति है वो किस दौर जा रही है, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायदों की झड़ी और दावों की झड़ी लगा रहे हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं योजनाओं की एक बरसात कर रहे हैं, तो अब विपक्ष इस बात को भी कहीं ना कहीं मुद्दा बना रहा है कि जो पहले वायदे किए थे उन वायदों का क्या। लेकिन यहाँ पर क्या ये कहा जा सकता है कि ये वायदे हैं? वायदों का क्या? इस तमाम विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अफजल अब्बास जी हमारे साथ हैं, नेता हैं जेडीयू के। अफजल जी बहुत स्वागत है आपका। राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका भी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संजय पासवान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष है एलजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इस वक्त हमारे साथ मनोज तिवारी जी भी जुड़ गए हैं जो कि नेता हैं कांग्रेस के। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर अफजल जी आपसे है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सर सरकार आपकी है और यहाँ पर सवाल भी आपसे ही बनता है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वायदों की झड़ी लगा रही हैं, बरसात कर रहे हैं, तमाम योजनाओं की बरसात की जा रही है। इससे पहले हमने देखा मत्स्य योजना की शुरुआत की, उसका शुभारंभ किया, जिससे कि तकरीबन लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सर क्या इन योजनाओं के सहारे जेडीयू एनडीए अपनी नैया को इस चुनाव में पार लगा पाएंगे क्या? अफजल जी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी। अफजल जी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज हमें मिल पा रही है। सर सवाल इस बात को लेकर है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक तमाम योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, तमाम वायदे की झड़ी लगा रहे हैं, और उस पर अब विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, सवाल ये कि क्या इन वायदों और दावों के सहारे बीजेपी की, जेडीयू की, एनडीए की क्या नैया पार हो पाएगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए चुनाव के समय जो घोषणा किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया, उसमें विपक्ष को ये कहने का मौका है कि चुनाव है इसलिए किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वन नाइट इलेक्शन नहीं होता है। जिस भूमि पे आती जमीन पे जब काम किया होता है उसके आधार पर लोग आते हैं। हम सिर्फ घोषणा करते हैं और हम ये कर देंगे उससे नहीं होता। हमने कुछ किया है तब वोट मांगने जाएंगे। तो अगर ये हमारे लिए अच्छी बात है कि जिस तरह घोषणा की है प्रधानमंत्री ने, तो बिहार के आवाम को फायदा होगा। सवाल वो लोग उठाने के लिए उठाएंगे, एक नाथ सवाल नाथ को दिया, उससे भी सवाल उठा रहे हैं, उठाएंगे। लेकिन कई योजनाओं में बिहार सरकार को आर्थिक मदद देश के प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार ने दिया है। ऐसी परिस्थिति में तो बिहार को फायदा हुआ है और भी फायदा होगा। और ये जितनी भी घोषणाएं माननीय प्रधानमंत्री की है वो हमारे लिए है, बिहार के आवाम के लिए है, ना कि दिल्ली की सरकार के लिए है या फिर झारखंड की सरकार के लिए। तो फायदा अंतोगत हुआ, फायदा तो बिहार के लोगों को ही होने वाला है। अब लोग चाहे तो कहना है, विपक्ष जो चाहे कहे उसको कहने के बाद। ठीक है राजेश यादव जी, जो तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई है और जो की जाएगी उससे तो आम लोगों को फायदा होगा, फिर क्यों महागठबंधन को आरजेडी को ऐसा लग रहा है कि ये चुनावी वायदे हैं? यहाँ की इच्छा है कि जब भी चुनाव होते हैं किसी राज्य में हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव घोषणा के दो दिन तीन दिन पहले उनके बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, इतने करोड़ का हम सौगात दे रहे हैं,
अभी झारखंड में चुनाव हो रहा था नया जी, तो यहाँ पर भी पाइप लाइन गैस के पाइप हम घर घर में गैस पहुँचेगा, पाइप से पहुँचेगा, और उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ घोषणा किया और पाइप भी बिछना शुरू हो गया, लेकिन आज तक किसी के घर में पाइप से गैस पहुँचा नहीं। उसी तरह से चुनाव 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ करने वाले हैं, 13 जो हमको लगता है कि 15, 16, 17 को चुनाव घोषणा कर देगी आज चुनाव आयोग, फिर आचार संहिता लग जाएगा, इनका घोषणा चुनाव में रह जाएगा। और एक इसी तरह का काम अब मध्य प्रदेश का चुनाव देखे होंगे, राजस्थान में चुनाव देखे होंगे, तो चुनाव के घोषणा के ठीक 2-4 दिन पहले एक बड़े बड़े घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री जी, कभी बनारस में जाकर के कभी वहाँ, तो इस तरह का कोई उनका पूरा हुआ नहीं है। अच्छा घोषणाओं का प्रधानमंत्री का आ जाए तो कहीं अतिशोक्ति नहीं होगा चुनाव के पूर्व, चुनाव के अब देख रहे हैं आप सभी लोग जानते हैं चुनाव में कोई कुछ होने वाला नहीं है, आचार संहिता लग जाएगा, तो राज्य की जनता को बिहार की जनता को मूर्ख बना रहा है। उसी तरह से जिस तरह से बोलते थे कि मैं कितना दे दूँ, 80 करोड़ दूँ, 50 करोड़ दूँ, भाषण देते रहते थे, लेकिन मिला क्या बिहार को? अब बिहार के लोग इतने पैसे दिए तो पैसे गए कहाँ? क्या हुआ? कितने बेरोजगार को रोजगार मिला? कितने उद्योग खुले? कितने कल कारखाने खुले? वो सारे चीज बिहार की जनता देख रही है कि इनका कोई घोषणा इस बार काम आने वाला नहीं है। और महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से इंटेक्ट है, महागठबंधन तो बड़ी परेशानी में है नीतीश जी, एकदम नीतीश जी है बड़ी परेशानी में है, सुशील मोदी जी है, इनको खाली लग जाए लालू जी, लालू जी, लालू जी, और इतने भयभीत हैं कि आकर के भाषण देंगे मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, क्लेम पिच करेंगे नहीं, चुनाव आयोग घोषणा हो गया, इसलिए खाली बकवास है और राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। जिस ऐसे 15 में इनको मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, इस बार भी जदयू और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिल गए हैं, पिछली बार इनकी हमारे साथ आकर करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, फिर भाजपा में कह रहे वोट से आया आप सब जानते हैं, सृजन घोटाला के डर से भाग गए वहाँ, फिर आप मुजफ्फरपुर में कांड कहो बहुत है, जिनके भय डर आया, ईडी का डर, सीबीआई का डर, वो सारे डर के भय थे। ठीक है, चलिए इस पर संजय पासवान जी से रिएक्शन ले लेते हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी राजेश जी कर रहे थे कि वाकई क्या आपको भी लगता है कि चुनावी वायदे हैं, या फिर आपको लगता है जैसा कि अफजल अब्बास जी कह रहे थे कि जो वायदे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, जिन योजनाओं की शुरुआत होती है, जिनका शुभारंभ किया जाता है, उनका तो फायदा आम जनता को मिलता है, क्या मिल रहा है क्या उन योजनाओं का फायदा आम जनता को? संजय पासवान जी लगता आवाज नहीं मिल पा रही, मनोज तिवारी जी का रुख करते हैं। मनोज जी, क्या वाकई आपको भी लगता है कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या फिर ये सिर्फ चुनावी वायदे हैं? देखिए निहा जी, विगत 15 वर्षों से नीतीश सरकार है और इस लंबी अवधि में जो क्रियाकलाप और जो क्रियान्वयन है वो बिहार की जनता देखती है। पहला उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सबसे पहले शुरुआती दौर में वो ये मामला आया था जब केंद्र में सरकार बनी थी भाजपा की और नीतीश कुमार जी की दलबहिया के समय ये मुद्दा उठाया गया था कि बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाए। दूसरी बात कही गई थी कि ये विशिष्ट राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को। तीसरा मुद्दा था कि बिहार में जितने भी बंद कल कारखाने हैं उनको खोला जाएगा और बिहार में जो गन्ना उद्योग है उसमें सरकार ध्यान देगी और तमाम बंद चीनी मिलों को खोलेगी। ऐसे अच्छा 10 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी बिहार में जो नौजवान हैं उनको स्वरोजगार के आधार पर बैंक की तरफ से वित्तीय सहायता देकर और छोटे छोटे लघु उद्योगों को खोला जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे वायदे थे। अब मैं आपको बताता हूँ, इस 15 वर्षों में बिहार में जितने भी गन्ना के कारखाने हैं, गन्ना जो जहाँ ये चीनी मिल है, उस तमाम मिल बंद पड़े हैं। आज तक कोई मिल खुल नहीं पाया, यहाँ तक कि सारण जिले में जो मढ़ौरा का मिल था, सुगौली मिल है, मढ़ौरा का शुगर मिल तो मुझे लगता है कि उसको चुनावी मुद्दा बना करके दूसरा चुनाव जीता गया। यहाँ के स्थानीय सांसद भी केंद्र में मंत्री रहे। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि केंद्र में 9 मंत्री बिहार के होने के बावजूद भी बिहार की पिछले वर्षों से दुर्दशा जो है वो यथावत है।
दूसरी बात रोजगार का साधन, परिस्थिति ऐसी है कि बिहार में आप किसी भी बैंक में चले जाइए और सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं के बारे में ही बात कीजिए, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ बैंक कर्मचारी बैंक प्रबंधक को ये पता नहीं है, ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है और इस योजना पर हम कोई लोन नहीं दे सकते। तीसरी बात है, आप आज की परिस्थितियों में विशिष्ट राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, मैं आपको कई ऐसे शहरों का फोटो भेज सकता हूँ, वहाँ अगर देख ले आप तो आपको लगेगा कि मुझे लगता है कि पुनः 1947 के पहले का बिहार हो गया। आज तमाम परिस्थितियों में जो भ्रष्टाचार का मामला है और जो लोग असुरक्षित असुरक्षा की भावना से जी रहे हैं बिहार में, आज अपहरण, डकैती, चोरी, रेप के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपके चैनल पर ही मैंने आपको डाटा दिया था। ठीक है, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं एक बार। संजय पासवान जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, राजेश जी कर रहे थे, कि तमाम योजनाओं की शुरुआत तो की जाती है लेकिन उसका फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता। आपको क्या लगता है, मौजूदा वक्त में एनडीए की सरकार है राज्य में और ऐसे में क्या वाकई जिन तमाम योजनाओं की शुरुआत की गई है उसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है या फिर नहीं? देखिए, लगातार इस कोरोना काल में भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी कोरोना काल में लगातार गरीबों के लिए सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। 85 करोड़ भारत के लोगों के लिए उन्होंने व्यवस्था करवाया। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है, घोषणाएं की जा रही है, निश्चित रूप से उसको अमलीजामा पहनाया जाएगा और निश्चित रूप से ईमानदारी से विकास के रास्ते पर केंद्र सरकार चल रही है। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फैसले को, आदरणीय रामविलास पासवान जी का, जिन्होंने 85 करोड़ लोगों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया है। ठीक है, लेकिन संजय जी, प्रधानमंत्री के नाम पे यानी कि मोदी के नाम पे और नीतीश के काम पे क्या वोट पड़ेंगे इस बार, क्या बरसात होगी और क्या ये जो तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है इसका बेनिफिट इस चुनाव में मिलेगा क्या? बिल्कुल रूप से प्रधानमंत्री जी के नामों पर हम लोग को फायदा मिलेगा। ठीक है, और 2019 में क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं ये आरोप लगातार लगता है, विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब बड़ी बड़ी घोषणाओं का शुभारंभ किया जाता है, नतीजा वही ढाक के तीन पात। 2019 में 1.25 लाख करोड़ रुपए की का फंड देने की बात कही गई थी, क्या वो फंड राज्य को मिला? अगर मिला तो कहाँ खर्च हो गया सर, ये भी पूछ रहा है विपक्ष। नहीं, लगातार प्रधानमंत्री जी अपने सभी मंत्री को बिहार के सभी जिलों में प्रभारी बनाकर इसकी मॉनिटरिंग करवा रहे थे और लगातार उन्होंने इसकी खुद के मॉनिटरिंग किया है और जो भी योजनाएं बिहार सरकार को मिली है निश्चित रूप से उस पर 100% काम हो रहा है। ठीक है, अफजल अब्बास जी, जो तमाम योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है या फिर फंड देने की जो बात की गई है 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए के फंड देने की बात की गई थी, क्या वो बिहार सरकार को मिला और अगर मिला तो सर कहाँ खर्च हुआ, ये विपक्ष पूछना चाहता है। अफजल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल रही है जी। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी योजनाओं में पैसा केंद्र सरकार ने दिया है, सभी सरकार की आजाद नहीं बहुत सड़कें बनी थी। आवाज नहीं मिल रही, नहीं मिल रही आपको? बताइए। हेलो जी। हेलो। बहुत सी योजनाओं में केंद्र सरकार ने पैसा दिया, एक्सेप्ट किया था, मेरे पास अभी मौजूद नहीं है वरना मैं आपको पूरा एक ही से बता दें केंद्र सरकार ने कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया। कितना आया कि मैं अपने पास अभी एट प्रेजेंट नहीं है, अगले सेगमेंट में जब बोलिएगा तो मैं गणना के साथ आऊंगा। लेकिन
लेकिन सर विपक्ष तो बार बार ये सवाल उठा रहा है ना कि जो तमाम योजनाएं या फिर जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि हमने यहाँ काम किया, हमने वहाँ काम किया, वहाँ वाकई क्या काम हुआ है? अगर रोजगार की बात करें तो क्या रोजगार के जो अवसर हैं युवाओं को मिल पा रहे हैं? सवाल इस बात को भी लेकर है, भ्रष्टाचार पर सरकार बार बार ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को फायदा मिला है? आज भी वही जस की तस स्थिति है जो पहले थी सर? कहाँ पे काम हुआ है सर? ये तो विपक्ष जानना ही चाहेगा ना। दो सवाल होगा न्याय जी, अफजल जी से मेरा दो सवाल होगा। जी जी हेलो, आवाज आ रही है? जी आवाज मिल पा रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 96,000 किलोमीटर जो बिहार की सड़कें जो है वो पैसे कहाँ से? बिहार सरकार के सरकार की दे रहे हैं। गाँव में जो बिजली 18 घंटा भी देखी थी कह रहे बिहार सरकार के सरकार की दे रहे हैं। ऐसे कई योजनाएं हैं जिसे पहला सत्ता लगा है, लेकिन अफसोस की बात है कि आंख रखते हुए लोग को चश्मा पहनने के बाद नजर नहीं आता विपक्ष को, उसके खिलाफ मेरे पास नहीं है। अब इस सर अगर तेजस्वी यादव ये सवाल पूछते हैं कि पिछले 15 सालों में आपके कार्यकाल में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन की जो समस्या है वो बढ़ी, तो सर आप ये बता दीजिए, आंकड़े मुझे बता दीजिए कि ऐसा कहां पर आप ये कह रहे हैं कि घटी है ये समस्याएं? बिहार में बेरोजगारी दर अगर तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि 46.6% पर है, यानी कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर देखे तो बिहार में है, तो सर ये आंकड़े क्या है, झूठ है? अगर झूठ है तो ये बता दीजिए कि सर ये झूठ है। नीति जो तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं, NCERB के जो आंकड़े की बात की जा रही है, सर अगर वो आंकड़े झूठ है तो वो बता दीजिए कि ये झूठ है। आंकड़ों पर बात करिए ना सर। आप यही बताए ना कि लालू यादव से पहले जी बिहार बिहार में सिर्फ आलू और बाल लोग अफजल अब्बास जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। सवाल है जी जी जी, मनोज जी कुछ कह रहे हैं। जी सबसे पहले मैं अफजल भाई से एक सवाल पूछना ये चाहता था कि अफजल भाई जिस जिले से हैं उसी जिले से मैं भी आता हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग था हावड़ा शुगर मिल, चीनी मिल, जिसके संदर्भ में बहुत बार राजीव प्रताप रूढ़ी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी वर्तमान सांसद भाजपा के, वो दूसरा चुनाव जीते हैं और 10 वर्षों में उनका एक ही वायदा था कि ये इन प्रकार मढ़ौरा का शुगर चीनी प्रारंभ होगा। 10 वर्षों से यहाँ की जनता उस चीनी मिल को खुलने की प्रतीक्षा कर रही है। दूसरी बात मैं क्योंकि मैंने ये बात आपको इसलिए पूछा है कि कृषि आधारित प्रदेश बन चुका है बिहार, से खनिज जो है झारखंड में हुआ करता था और उसका बंटवारा हो चुका है, तो जो कृषि आधारित बिहार है यहाँ गन्ने और गन्ने की खेती के आधार पर यहाँ के किसानों को संपन्न बनाया जा सकता था वहाँ। सर ये तो काम किया जा सकता था मनोज तिवारी जी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को भी सिर्फ चुनावों के वक्त ही क्यों ऐसे याद आती है, क्यों इन मुद्दों को चुनावों के वक्त ही उठाया और बुनाया जाता है, इस बात को भी आप समझिए यहाँ पर, और ये जनता भी समझती है सर। की आपका ये सवाल होगा, मैं इसीलिए ये प्रश्न किया हूँ, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैंने ये बोला कि 35 वर्षों से बिहार कांग्रेस में, कांग्रेस जो है बिहार में सरकार में नहीं है, जिस वक्त कांग्रेस की अंतरिम सरकार थी उस वक्त तो सर समझिए ना, जब इस मुद्दों को और ऐसे मुद्दों को आप चुनाव के वक्त उठाएंगे तो जनता कैसे विश्वास कर ले आप पर और कैसे आपको मौका दे? उठा रहे हैं हमने पहले भी लगातार कांग्रेस ने विधानसभा में और विधान परिषद में इस पटल पर, सदन पटल पर हमेशा चीनी मिल के संदर्भ में अपनी प्रखर आवाज उठाई है हमने इस पर। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे तमाम इस प्रश्न के बाद, तमाम आवाज के बाद भी आखिर नीतीश कुमार जी की सरकार में किसान में रुई क्यों है, कि वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि स्थानीय उद्योग धंधों को बगैर चालू किए बिहार से मजदूरों का पलायन नहीं रुक सकता है। और दूसरी बात है, जहाँ तक जीरो टॉलरेंस की बात है, हमारे अफजल भाई जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे सत्ता में, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है राजेश जी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि स्थानीय जब रोजगार को शुरुआत नहीं की जाएगी तो जाहिर तौर पे वहां से पलायन जारी रहेगा और रोजगार के अवसर लोगों को नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में सर आरजेडी कब इन मुद्दों को उठाती है,
क्या सिर्फ चुनाव के वक्त ही आप लोगों को भी याद आता है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, क्राइम बढ़ा हुआ है, बाढ़ प्रभावित राज्य है, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सब मुद्दे जब याद आते हैं। तंत्र में आज जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मुद्दा बिहार का है, बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है और क्या वायदों और दावों की राजनीति के बिहाफ पर या उसके आधार पर सत्ता की चाबी पाई जा सकती है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाने से पहले राजेश जी से मेरा एक सवाल था। राजेश जी, जी हाँ, सवाल मेरा यही था कि जब चुनाव आते हैं तभी आपको इन तमाम मुद्दों की याद क्यों आती है, उससे पहले आप कहाँ थे? नहीं, चुनाव आता है नहीं, इस बार हम लोग ने लगातार तेजस्वी जी ने लगातार और हम लोग जब 15 साल में नीतीश जी को हम लोगों ने ध्यान दिलाने काम राष्ट्रीय जनता दल दिया, हम अफजल साहब बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से नीतीश जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 15 साल में आप 12 चट्टी शेरघाटी आपका गया इमामगंज डुमरिया औरंगाबाद ओबरा दाऊद नगर हसपुरा वो डेरी आपका नोखा करहगढ़ ये तमाम जो मध्य बिहार का भाग है जहाँ धान का भी बहुत बड़ी फसल होता है, या इस पर आधारित एक भी उद्योग उन्होंने लगाया है क्या विगत 15 साल में मध्य बिहार में भोजपुर इलाके में जहाँ बड़े बड़े मिल है नुखा में चावल का बहुत बड़ा वाहन, क्या इनके शासन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी अपने ही पचड़े से नहीं निकल पा रही है, महागठबंधन अपने ही पचड़े से नहीं निकल पा रहा है, ये वजह है कि अब जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्या हम उठाए? यहाँ पर अपनी ही समस्या बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी ने 1,30,000 करोड़ रुपया भेजे, 1,000 करोड़ रुपया भेजे, तो क्या उसमें से एक भी बोलने योजना को हम लोग कर रहे हैं? कौन सी योजना को मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये एक भी योजना रोजगारों की योजना बिहार में 15 साल में चलाए क्या कोई कल कारखाना? वहीं आप देख लीजिए पूरा मध्य बिहार से ले लीजिए और उधर आप मध्य बिहार से लेके और पूरा छपरा सारी जगह मुजफ्फरपुर से लेके कहीं देख लीजिए एक भी नया उद्योग उन्होंने 15 साल में लगाया हो। और जहां तक सवाल है हम लोगों राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोगों ने 15 साल में 5 विश्वविद्यालय खोले, लालू जी ने 5 बार वहाँ नढ़ोरा में कल कारखाना खोले, मधेपुरा में रेल मंत्री से जो खुला, और ये जो बोल रहे हैं आपका मनरेगा का सवाल है, ये भी यूपीए का देन है और यूपीए के माध्यम से मिल रहा था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके चले जाते हैं, बता दीजिए इनसे हम आवाज जी के माध्यम से हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि 15 साल में मनरेगा की मांग आप उसमें संशोधन की मांग बेहतर तरीके से नहीं उठा पाए, यही वजह है कि रघुवंश प्रसाद को अब नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखनी पड़ी? नहीं, माननीय रघुवंश प्रसाद जी क्यों चिट्ठी लिखे? इन लोगों ने 15 साल में कुछ काम किया ही नहीं। माननीय रघुवंश बाबू ने चिट्ठी लिखे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार ने तो सर अगर आप कह रहे हैं काम नहीं किया, लेकिन आरजेडी के सुप्रियो जो है लालू प्रसाद यादव उनको भी चिट्ठी लिखी है, उनको की चिट्ठी लिखी है, जब इतनी बेहतर तरीके से आरजेडी काम कर रही है, विपक्ष के तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठाए जा रहा है। ये लोग जो हवाई बात कर रहे हैं कि 15 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ लालू जी के शासन में, इसी जो अभी वर्चुअल रैली कर रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ, तो पहले 15 साल में क्या हुआ? और 15 साल गए तो राज्य की जनता को बता रहा कि 15 साल में हमने क्या किया। राज्य की जनता इनकी कथनी और करनी को समझ गई है और ये बराबर सत्ता में रहने के लिए कथनी और करनी आरजेडी में भी अंतर है क्या सर? आरजेडी के अंदर भी कथनी और करनी में अंतर है क्या? क्या ये भी वजह है कि तेजस्वी यादव के ऊपर तमाम जो बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर दबाव बनाते हैं? सुन लीजिए सर, नहीं एक महागठबंधन को एकजुट रख पा रहे हैं। जिस मुद्दे को लेकर राजनीतिक महमाए हैं उस मुद्दे से हम कभी समझौता नहीं करते, राष्ट्रीय जनता नहीं करता है, हमारा उसूल है, हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो विचार है उससे हम कभी समझौता नहीं करते हैं। इसी जी देखा ये लोग भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा नहीं कि चुनाव में मोदी जी के लौटा दिए थे खाना पर से लौटा दिए थे, फिर मोदी जी का कहें इनके बारे में ही कहा बोले इनके बारे में मीटिंग में मिल जाएंगे भाजपा में। सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप, के कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं और किस सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं? आपने क्या बीजेपी के साथ रह के सरकार नहीं बनाई?
क्या आपने कांग्रेस के साथ रहकर सरकार नहीं बनाई, क्या आपने जेडीयू के साथ रहकर सरकार नहीं बनाई? सर बताइए ना, ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर आप चल रहे हैं? जेडीयू के साथ उन लोगों ने हमारे साथ बनाया, हमारा जो हमारा जो सरकार ने बनाया, गठबंधन में आप आए ना, सिद्धांत से विचार से अलग नहीं हुए सर। आपका ऐसा कौन सा सिद्धांत है बता दीजिए ना, ये कौन सा सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं जिससे आप समझौता नहीं करते? हम सांप्रदायिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं, सामाजिक न्याय विरोधी ताकतों से समझौता नहीं करते हैं, कर सकते हैं, समानतावादी ताकतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। सर इतने ही सिद्धांतवादी आपकी पार्टी है तो सर आपकी पार्टी को छोड़ छोड़ के नेता क्यों जा रहे हैं? क्यों आपकी पार्टी को महागठबंधन को लोग छोड़ के जा रहे हैं? रघुवंश प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ के चले गए। देखिए ये नीतीश जी जो है बराबर नहीं होता है की कबूतर दाना आएगा, दाना छुटेगा, जाल में फंसेगा। तो ये नीतीश जी के साथ दो चार लोग हैं वो दाना फेंकते रहते हैं कि कभी उसको बना दे। यानी कि आपके नेता आसानी से जाल में फंस जाते हैं? नहीं फंसेंगे ना, रघुवंश राव नहीं ना फंसेंगे, क्योंकि अभी अस्वस्थ है, अवस्थ होने पर बीमारी है, बीमारी पर निरोग राजनीति कर रहा हूँ। नहीं उनको आपके लिए चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? लालू प्रसाद यादव को सर सवाल इस बात को लेकर है। बीमार व्यक्ति के साथ राजनीति कर रहा है जब वो भाजपा, बताइए ये तो किसी के साथ राजनीति, किसी के साथ जा सकते हैं? अफजल अब्बास जी, क्या वाकई 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 एनडीए की तरफ से जेडीयू की तरफ से क्या दाने डाले जा रहे नेताओं को अपने पाले में लाने के लिए, जिस बात का जिक्र अभी राजेश जी कर रहे हैं? वो अपने कुर्ते को संभाल नहीं सकते हैं तो आरोप लगाएंगे, इससे पहले भी चाचा पाता के मिलने आबाजी आप हैं, आप देख लीजिए नीतीश जी का इतिहास, देख लीजिए अकेले लड़ नहीं सकते हैं, सवाल का जवाब जा नहीं चाहते हैं, अकेले लड़ नहीं सकते हैं, जब भी को जनाधार नहीं है, कभी रामविलास जी को विरोध कर करके देखिए फोन लाइन पे आप लोग हैं और अगर आप एक साथ बोलेंगे तो आवाज समझ नहीं आएगी। एक 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 करके बिहार की दलित बोला नहीं है क्या? चिराग पासवान के साथ के बारे में क्या आपने बोला? दलित के बारे में क्या बोला? सर चलिए तमाम नेता एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, आप राजेश जी अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई जेडीयू की तरफ से दाने डाले जा रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी राजेश जी कर रहे हैं। इसका खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं अफजल अब्बास जी से। अफजल जी सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी राजेश यादव जी कर रहे थे और कह रहे थे कि जेडीयू की तरफ से दाने डाले जा रहे हैं ताकि जो तमाम जो नेता है वो जेडीयू के पक्ष में आ सके, एनडीए के पक्ष में आ सके, क्या वाकई इसमें सच्चाई है क्या? होता है कि हम दाना नहीं डालते, हम अपने विचारों से अड़े हुए हैं, हमारा काम है उनका संभाल नहीं पा रहे हैं। फिर बोलने लगे आप विचार है क्या, कोई सिद्धांत है क्या? अरे भैया बोलने दिए ना पहले तो, आप हम चुपचाप सुन रहे बोलिए। हम ऑनवे रोड पे, हम ड्राइव गाड़ी पे हैं, इसी मेरी आवाज कट भी नहीं, आप नहीं बैठे होंगे? मेरा इसी तरह इतना कहना है कि हम किसी को बुलाता नहीं है, सब लोग अपनी इच्छा से जाते हैं। उनको अच्छा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के साथ आने में कंफर्ट फील कर रहे, इसलिए आ सकते हैं। और ये राजसभा इनके जो कुर्बा भाग रहा था, कहीं ना कहीं नेतृत्व सवाल तो उठी रहा था, तेजस्वी संभाल नहीं पा रहे, लालू यादव है नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार बने हुए हैं, ऐसा से कमतरी के शिकार बने हुए हैं, छोटा आदमी बने तो हुकूमत कर रहा है, इस सब बातें हैं, अंदर की बातें, इसे अपमानित महसूस होकर रघुवंश बाबू इसको रिजाइन दिया। अब उनका अंदरूनी मामला है, वो रिजाइन दे ना रहे अलग बात है, हमारे यहाँ आना चाहे तो आ जाए, हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, और हमने कोई दाना डाला है ना उनको बुलाया है। ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है ना राजेश जी कि रामा देवी जब से पार्टी में शामिल हुई हैं तब से नाराज चल रहा है रघुवंश प्रसाद, ये भी कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के साथ उनकी बहुत बेहतर पटरी पर नहीं बैठ रही है, तालमेल बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, इसलिए भी नाराज चल रहे हैं। वो तमाम जो नाराजगियां हैं उसको आप दूसरी पार्टी के सर फोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पार्टी में दल में बैठ करके तय हो जाएंगे। इनको रामा सिंह जी के बारे में, रामा सिंह इसके पहले कहाँ थे, किनके साथ थे, इनको अपने गिरमान में झांक कर देखना चाहिए। अनंत सिंह जी की बात बोल रहे हैं, अनंत सिंह के चांदी के सिक्के पर तोला रहे थे नीतीश जी,
प्रणाम कर रहे थे और सब उनको ठीक लग रहे थे। अनंत सिंह जी जब चांदी से तोड़ रहे थे नीतीश कुमार को, तब आवास भाई से पूछिए या उन और लोगों से, तब उनको ठीक लग रहा है, अनंत सिंह ठीक आदमी थे। आज जब अनंत सिंह जी उनको साथ छोड़ रहे हैं तो गलत हो गए। अनंत सिंह आरजेडी में शामिल हो रहे हैं क्या? अनंत सिंह हो या नहीं हो, अनंत सिंह जी अभी उनके साथ छोड़ दिए तो हो गए इनके साथ थे तो साधु थे। रामा सिंह जी जिस सिद्धांत पर आप चलने की बात करते हैं, जिस सिद्धांत पर आप चलने की बात करते हैं राजेश जी जिस सिद्धांत पे आप चलने की सर बात करते हैं कि आरजेडी के जो सिद्धांत है उस पर चलने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें आनंद सिंह फिट बैठते हैं क्या? नहीं, आनंद सिंह जी कौन परिस्थिति देखेंगे ना हम लोग, हमारे जो परिस्थिति के अनुसार अब हम बोल रहे हैं कि अनंत सिंह जी आज बोल रहे हैं ये लोग हैं रामा सिंह के खिलाफ चले गए तो गलत हो गए, तो ये सारे लोग परिस्थिति के नहीं है हमारे साथ बोलने की, मतलब परिस्थिति बस इन लोग हैं, परिस्थिति के अनुसार ही चलते हैं, परिस्थिति बस के लोग हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, परिस्थिति बस भी हैं, ये लोग परिस्थिति के नेता हैं, ये नीरज जी हैं, आलोक जी हैं, सबका है। आरसीपी सिंह आवाज जी से पूछिए सीनियर लीडर आरसीपी सिंह कब से लीडर थे, मनोज तिवारी जी क्या आपको भी लगता है कि वाकई जो तेजस्वी यादव है वो महागठबंधन को एकजुट रखने में कामयाब नहीं हो पा रहे, आरजेडी को भी एकजुट नहीं रख पा रहे? देखिए नेहा जी, स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेस के संदर्भ में बोल सकता हूँ, ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, जहाँ तक सवाल गठबंधन का है, समान विचारधाराओं के आधार पर किसी भी राजनीतिक दल का गठबंधन होता है, जिन विचारधाराओं के ऊपर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पर कोई हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई भी बात सोचते हैं, प्रादेशिक मामले पर बिहार प्रगति के पथ पर किस तरीके से अग्रसर होगा हमारी सोच उस आधार पर। राष्ट्रीय जनता दल से हमारा गठबंधन है, निश्चित रूप से उसके नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारा इतना ही मानना है कि बिहार की प्रगति के लिए समान विचारधाराओं के आधार पर जो लोग भी हमारे साथ हैं, हम उस सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ते हुए 15 वर्षों से पिछड़े हुए बिहार को प्रगति के पथ पर लाना चाहते हैं। एक बात, दूसरी बात मैं आपको एक बात और भी कहना था, मैं चर्चा सुन रहा था, देखिए जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी और ये जदयू के गठबंधन का है, एक टिप्पणी मैं जरूर देना चाहूंगा, ये टिप्पणी जो है कि इसके पहले मैंने सुना था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बातें कही गई थी या जनता दल यू की तरफ से, क्योंकि दोनों लोगों की गठबंधन की बात है। देखिए नेहा जी, अभी परिस्थितियों में बिहार को किसी भी मामले में सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में बिहार जो है शिक्षा के मामले में अग्रणी हुआ करता था, और आज की परिस्थितियां शैक्षणिक व्यवस्था इस तरीके की है कि बिहार लगातार अक्षता का डाटा है के मुताबिक पिछड़ते चला जा रहा है। मैंने एनसीआरबी का डाटा दिया था कि एनसीआरबी के आधार पर अगर तमाम तरीके से तमाम आधार पर अगर क्राइम रेट को देखा जाए तो 22.5% का इजाफा हुआ है, 22.5%। ये इजाफा इस बात का द्योतक है कि हम किसी भी मामले में, मतलब सुरक्षा के मामले, महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में 19% से ज्यादा इजाफा बिहार में हो चुका है। तो ये परिस्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई? केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में जदयू की सरकार है और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। क्या केंद्र के पास आज मोदी जी की घोषणाएं हो रही है? मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर इस जुमले के आधार पर पूरे हिंदुस्तान को आज इस परिस्थितियों में धकेलने के जिम्मेवार नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं। आज परिस्थितियां बन चुकी है कि 30 करोड़ से ज्यादा लोग, माफ कीजिएगा, 3 करोड़ से ज्यादा लोग और 12 करोड़ तमाम लोगों को मिला करके सड़कों पर है। जिस रोजगार के संदर्भ में आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है, उसको क्रियान्वयन का तरीका नहीं है, अति पिछड़े बिहार राज्य में जो आज 15 वर्ष से बिहार बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसमें पलायन मजदूर, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं, इस पर रिएक्शन ले लेते हैं संजय पासवान जी, सवाल इस बात को लेकर है जो तमाम तरह की योजनाओं का, ठीक है सर मैं लौटूंगी सर आपके पास, मनोज जी मैं लौटूंगी आपके पास सर, संजय पासवान जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी सवाल इस बात को लेकर है जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, तकरीबन 15 साल से नीतीश कुमार
यानी कि गठबंधन से सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तकरीबन 15 साल होने को आए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी है राज्य में, और अगर है तो क्या उस जख्म पर योजनाओं का मरहम काम करेगा क्या? देखिए नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ महागठबंधन के साथियों को विकास नहीं दिख रहा है। आप 15 साल पीछे चले जाइए, सड़क में गड्ढा था कि गड्ढा में सड़क था, अपराध चरम पर था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बिहार में जो विकास की दरार बढ़ रही है, आप देख लीजिए सड़कें आज 15,000 किलोमीटर सड़कें जो चमचमाती हुई, लोग को पता नहीं चलता है कि हम वो कितना टाइम पटना से बेगूसराय या पूर्णिया जाने में लग रहा है, समय की कितनी बचत हो रही है। 6 लाइन 4 लाइन रेलवे का जाल बिछ रहा है, इन लोगों को दिख नहीं रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो भी विकास की बातें हो बिहार में, जो भी देश में कोई भी विकास की योजनाएं है, सभी को हम सब मिलकर उनका तहे दिल से स्वागत करें। जी देखिए नेहा जी, मैं अपने साथी से एक बात कहना चाहता था कि खत्म शिक्षा बढ़ता बेरोजगार, लूट अपहरण का व्यापार बिहार में है नीतीश कुमार। आज इस परिस्थितियों में जो बिहार के लोग आज इस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, मेरे साथी को पता नहीं क्यों एंटी इनकम मंत्री नजर नहीं आ रहा है। एक बात निश्चित रूप से नेहा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, हम लोग गाँव में घूम रहे हैं और आम आदमी से मुलाकात कर रहे हैं। आज की परिस्थितियों में नीतीश कुमार के 15 वर्षों का कुशासन निश्चित रूप से अंतिम। चलिए वो वक्त आने पर जनता जवाब देगी, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं संजय जी से एक बार फिर से ले लूं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि लगातार एलजेपी ये पत्ते नहीं खोल रही है कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेगी या फिर अलग से चुनाव लड़ेगी, क्या अभी तक इस बारे में कोई बात हुई है? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बिहार के दौरे पे है, 2 दिवसीय दौरे पर है, क्या उनसे इस बारे में कोई बातचीत हो पाई? लगातार लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी अपने संगठन संसदीय बोर्डों के साथ बैठकें कर रही हैं। हम सभी मुद्दों पर विचार कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो जो फैसला लेंगे हम उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं और चुनाव में पूरी ताकत के साथ जाएंगे। हमारी तैयारी 143 सीटों पर अभी चल रही है। अगर एनडीए के साथ सरकार एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे तो कितनी सीटों की मांग एलजेपी करेगी? सीटों की संख्या की चर्चा हम खुले तौर पर मीडिया में नहीं करेंगे, इसके लिए हमारे दल में संसदीय बोर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी किसके हैं। ठीक है, क्योंकि सीटों पर भी कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है एनडीए में भी और साथ ही साथ महागठबंधन पे भी, इस पे भी हम बात करेंगे। क्या वाकई इस ओर बातचीत चल रही है क्या? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजय पासवान जी, क्या इस बीच बातचीत चल रही है और क्या लगता है कि समाधान की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है? जी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, आदरणीय अमित शाह जी के साथ बातचीत हो रही है और संभावना है कि 14 तारीख को अमित शाह जी से बातें होंगी और फिर उस पर चर्चा हम लोग आपको बताएंगे विस्तार। रामविलास पासवान जी ने एक ट्वीट किया है, उनका कहना है कि जो भी चिराग पासवान फैसला लेंगे वही मंजूर होगा, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्योंकि चिराग पासवान इस बीच नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते आए दिखे हैं हमें, तो क्या 2005 के तर्ज पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है एलजेपी की तरफ से? निश्चित रूप से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के दिन में पूरी मुस्तैदी के साथ पार्टी को और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान साहब का, जिन्होंने ये अधिकार दिया है श्री चिराग पासवान जी को कि हम उनके हर फैसले का सब उनको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गर्व है कि पूरी मुस्तैदी के साथ वो काम कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं, उन्हें अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूरा गर्व है। जी
ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर भी है मनोज तिवारी जी, जिस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है, हाल ही में अभी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार का बेटा था, कंगना रनौत का इस्तेमाल करना या उनके नाम का इस्तेमाल करना, सुशांत सिंह राजपूत के नाम का इस्तेमाल करना, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? क्या वाकई आपको लगता है कि राजनीति में इनका इस्तेमाल करना चाहिए, इनके नाम को उछालना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है नेहा जी, आपने तो मेरे मुंह की बात सुन ली। देवेंद्र फडणवीस जी बिहार के प्रभारी हैं, उत्तर भारतीयों को मार मार कर भगाने वाली भाजपा और उसके नेतृत्व करता देवेंद्र फडणवीस जी हमारे आपके भाजपा के प्रभारी यहाँ के प्रभारी हैं। हमारा मुद्दा ये भी होगा, देवेंद्र फडणवीस जी का जो चेहरा है पूरे बिहार की जनता पहचानती है। अब रही बात उनको बिहार के लोगों की कितनी चिंता है और बिहार के लोगों की अस्मिता का कितना ख्याल है, ये तो देवेंद्र फडणवीस जी भाजपा के लिए काफी है, वही उनकी कहानी खत्म कर देंगे। तो ये जहाँ तक देखिए, ये लोग कहते जरूर है, बहुत सारी बातें कहते हैं और जमीन पर उनको जानकारी नहीं है। देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं क्या मानता हूँ कि देखिए कांग्रेस और भाजपा में फर्क यही है, कांग्रेस के लोग जो हैं वो जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक लंबी राजनीति यहाँ के लोगों से जुड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एयर कंडीशन छाप नेता है, अब उनको एयर कंडीशन में शीत रूम में रहना है, लंबे लंबे रेखांकन करना है, उसको कह देना है, तो जमीनी आधार पर हवा में रहने वाले लोगों में फर्क तो होगा ही। इसलिए मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ कि बिहार की जनता इस बार बहुत सूझबूझ के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, क्योंकि आपका विषय ही लोकतंत्र है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में परिवर्तन लाजमी है और बिहार की जनता 15 वर्षों के शासन काल को देखते हुए बदलाव के लिए इस बार ठीक है बदलाव की बयार बहेगी अगर बिल्कुल हालात बदलते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है मनोज जी, क्योंकि सीट शेयरिंग पर भी बातचीत हो रही है, सीट किस तरह से मिलती है, कितनी सीट मिलती है, इस पर भी दाव पेच अटका हुआ है, अभी जाहिर तौर पे पर्दा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटों की डिमांड रखी गई है, कितनी सीटों की मांग? देखिए नेहा जी, अभी इस मामले में मैं कोई अधिकृत नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूँ, मैं इस बात के संदर्भ में कोई आपको उत्तर नहीं दे सकता कि कितनी सीटों पर चर्चा हो रही है। लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कार्यकर्ता होने के नाते, इस बार कांग्रेस पूर्ण रूप में अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग को के मामले को लेकर अति गंभीर है। जीतन राम मांझी के जाने से महागठबंधन को घाटा होगा, नुकसान हो सकता है? तो मैं कहता हूँ कि ये राजनीतिक दलों में किसी के जाने से राजनीतिक दल के में कोई परिवर्तन नहीं होता और राजनीतिक दल की धाराएं खत्म नहीं होती, किसी कोई आता है कोई जाता है, ये राजनीति का नियम है। जिन लोगों सर 38 सीटों पर दलित वोटर प्रभाव डालते हैं, जिनमें से पिछली बार 15 सीटों को आरजेडी ने अपने कब्जे में लिया था, अब किस तरह के हालात बन सकते हैं? नेहा जी मैंने अभी बोला है कि स्पष्ट रूप से कि विचारधाराओं के आधार पर राजनीति करने वाले लोग सत्ता और विपक्ष का मसला नहीं देखते, जनहित को ध्यान में रखते हुए वो अपना निर्णय लेते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और बिहार की प्रगति के लिए हम लोग पूरे तरीके से संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार पिछले वर्ष बिहार में जो उद्योग धंधों का हब दी थी, आज अगर बिहार की जनता कांग्रेस को मौका देती है, महागठबंधन को मौका देती है, तो उद्योग धंधों का जाल बिछेगा और बिहार पुनः प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में आएगा। एक छोटा सा सवाल मेरा राजेश जी आपसे है, लालू प्रसाद यादव के बहुत ज्यादा सक्रिय ना होने से क्या वाकई लगता है आपको कि महागठबंधन खासतौर पे आरजेडी कमजोर हो गई है? नहीं, कोई कमजोर नहीं है और आपको राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता एक एक नेता लालू यादव हैं और लालू यादव के विचारों को लेकर के गाँव गाँव तक घूम रहे हैं, गाँव तक सब लोग उनसे संपर्क में है। हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, रघुवंश बाबू जो आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन रघुवंश बाबू नेता राजद के हैं और अब्दुल बारी, सारे लोग लालू यादव का यहाँ रहना और बिहार रहना दोनों बराबर है और कोई अंतर पड़ने वाला नीतीश जी और लोग सोचते हो कि लालू जी वहाँ है, आपका सुशील मोदी जी सोचते होंगे कि हमारी इस बार बहुत ये है, तो वो गलतफहमी में है। मुंगरी दाल का आदमी सपना लोग देख रहे हैं, 2015 के चुनाव में भी हम ही ने पता किया था और 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन कांग्रेस पार्टी में जो है फतह करेंगे और ये जो फिरका पक्ष ताकते हैं, जो दल बदल लोग हैं
उनको हम लोग प्राप्त करेंगे राष्ट्रीय जनता दल। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बिहार की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी वाकई देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तो तय है कि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही ये कहा जा सकता है कि योजनाओं की झड़ी लग गई है। जहां केंद्र की तरफ से योजनाओं की बरसात की जा रही है, तो वहीं बिहार सरकार के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा ना उभरे उस पर भी कहीं ना कहीं मरहम लगाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ताकि एनडीए की सरकार एक बार फिर से सत्ता में आए। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या विपक्ष यानी कि महागठबंधन उन तमाम मुद्दों को बेहतर तरीके से उठा पाएगा जो कि जनता के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।